अल्लाह की मोहब्बत का जब बीज दिल में पड़ता है और उसके बाद जब ईमान का पानी उसको तर करता है, फिर ऐसी नेकियों की फसल निकलती है, ऐसी बहार आती है इंसान की जिंदगी में कि बस। तो ये सदका देना, ये दरअसल अपनी जिंदगी में बहार लेकर आना है। तो अल्लाह की मोहब्बत फी सबीलिल्लाह, इससे हम तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत में बगैर दिखावे, बगैर अजर, बगैर दुनिया में किसी सिले की तवक्को किए हुए, बगैर एक्नॉलेजमेंट की तवक्को लिए हुए, अल्लाह की खातिर फी सबीलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज देखें, दुनिया में आपने एग्जीबिशंस देखे होंगे, लोग अपनी पेंटिंग्स के, कपड़ों के, डिफरेंट चीजों के, आर्ट वर्क के एग्जीबिशन करते हैं। अच्छा, जब एग्जिबिट करना चाहते हैं किसी चीज को, तो इससे पहले कि एग्जीबिशन हो, क्या किया जाता है, उन चीजों को छुपा छुपा के रखा जाता है, होता है कि नहीं? तभी तो एग्जीबिशन का मजा आएगा, वरना फायदा क्या? अगर हर चीज पहले से दिखा दी गई तो जब वो डिस्प्ले होगी तो लोग कहेंगे सो व्हाट्स अ बिग डील, तो हमने पहले ही देख लिए, तो लिहाजा उसको बहुत छुपाया जाता है। दूसरी बात ये कि एज अ ह्यूमन बींग, एक इंसान होने के नाते हम में एक टेंडेंसी है, एक रुझान है टू बी एन एग्जीबिशनिस्ट। हम अपनी खूबियों को दिखाना भी चाहते हैं और हम उसकी तारीफ भी चाहते हैं। सच्ची बात है, दैट्स द वे वी आर। जो अच्छा पकाते हैं, फिर आप जरा हाल देखें, एक एक से पूछेंगे कैसा पक्का है बताओ, कैसा, खुद पता है अच्छी तरह के बहुत अच्छा पक्का है, लेकिन बस दिल चाह रहा होता है कि हमने जो मेहनत की है तो दूसरे उसको अप्रिशिएट करें। और जिसको पता होता है कि ये ड्रेस पहन के मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ, वो ही जाके पूछती हैं दूसरों से कैसी लग रही हूँ। जिनको पता है कि जहर लग रही हूँ ये ड्रेस पहन के, वो तो कभी नहीं पूछती किसी से, बताओ कितनी स्लिम, कितनी स्मार्ट, कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो ये एग्जिबिशनिज्म है ना, एक बेनाइन किस्म का एग्जिबिशनिज्म है। अल्लाह जानता है हमारी इस टेंडेंसी को कि जहां हम दुनियावी खूबियों का इजहार करते हैं और जिसमें जो खूबी अपना इजहार चाहती है, जिसके अंदर जो टैलेंट होता है वो निखरता है और उनको अप्रिशिएट करवाना चाहता है, अल्लाह ताला ने इस चीज का लिहाज रखा है कि इंसान के अंदर ये एक तमन्ना है, ये अर्ज है उसके अंदर। नेकियों के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक एग्जिबिशन लगाने का वक्त और एक जगह बता दी है कि तुम्हारी सारी नेकियां एग्जिबिट होंगी। अभी दुनिया में तुम अपनी नेकियों का एग्जिबिशन अगर करोगे, उनको तुम दिखाना चाहोगे, तो तुम्हारे देखने वाले कितने होंगे नाजरीन, तुम्हारे देखने वाले स्पेक्टेटर्स कितने होंगे, दो चार हजार, 2-4 लाख, 2-4 मिलियन, इससे ज्यादा क्या होंगे, कोई नहीं होगा इससे ज्यादा। तुम्हें कितने पैसे दे देंगे, 2-4 करोड़, 2-4 अरब, चंद मिलियन, डायमंड्स वगैरह की सेल होती है $60 मिलियन, $80 मिलियन, इससे ज्यादा क्या होगा, 1 बिलियन, 2 बिलियन, ट्रिलियन, व्हाट मोर, नथिंग मोर। अल्लाह ने कहा कि काम ये करो कि तुम ये नेकियां आखिरत में एग्जिबिट करना, उसके लिए अरमान दिल में रख लो, वहां पे तुम करोगे और वहां तुम जिसकी खातिर नेकी कर रहे हो वो तुमको वहां उसकी प्राइस देगा। दुनिया में बस एक शर्त है कि दुनिया में नहीं दिखाना, दुनिया में एग्जिबिट नहीं करना तुम अपनी नेकियों को, यहां तुम किसी से उसकी प्राइस, उसकी कीमत नहीं चाहना। अगर ये सोच लिया तो फिर अल्लाह जिस तरह डिस्प्ले करेगा, किसके सामने डिस्प्ले करेगा हमारी नेकियों को, सारे इंसानों के सामने, A to Z, जितने इंसान पैदा हुए हैं और जितने होंगे, सबके आगे एग्जिबिशन होगा हमारी नेकियों का। वह इज अफ नशरत, जब तमाम सहीफे नशर कर दिए जाएंगे क़यामत के दिन, बता दिया जाएगा फला फला शख्स का ये मामला है, और क्या दाम अल्लाह लगाएगा उसके। दुनिया में कोई हमें क्या दे सकता है, कोई तारीफ ही कर देगा ना, और क्या करेगा इससे ज्यादा, कोई कॉम्प्लीमेंट कर देगा, उसके बदले कुछ कंसेशन दे देगा, कुछ फायदा हासिल हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी इस कमजोरी का लिहाज रखा है, कहा कि नेकी करो फी सबीलिल्लाह, सदकात करो, माल खर्च करो फी सबीलिल्लाह, किसी को बताना नहीं, दुनिया में डिस्प्ले करोगे अल्लाह नहीं खरीदेगा। फिर जब किसी का ऑर्डर आ जाता है, कोई माल किसी के हाथ बेच देते हैं, उसके बाद फिर उसको लिख दिया जाता है सोल्ड, उसके बाद बार बार उसको नहीं बेचा जाता उस चीज को, ये तो बड़ी बेईमानी हो जाएगी। हम तो मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, हमने अल्लाह के लिए खर्च कर दिया, उसके बाद आप उसका जिक्र नहीं करना, बताना नहीं किसको क्या दिया, इल्ला ये कि चंद कंडीशंस हैं जिसमें बताने की इजाजत है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी औलाद को सिखाने के लिए, देखिए हमारी माओ ने हमको बताया ना कि फला रिश्तेदार है, जरूरतमंद है, उसको देना चाहिए, तो फिर उसके बाद औलाद को भी ख्याल आता है कि जी देना चाहिए। अगर माएं अपना ये रवैया छुपा लेती तो आगे औलाद को सीखने का मौका कहाँ से मिलता। तो एक रिया का भी जिक्र आगे हम करेंगे। एक बात याद रख लें,
कि हर देखने वाली नेकी दिखावा नहीं होती, हर देखी जाने वाली नेकी दिखावा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में आई हैं तो दिखाती भी आई हैं कि नहीं? बताया है ना लोगों को कि आप क्लास में आई हैं, क्या ये दिखावा हो गया? नहीं, दिखावा क्या है? दिखावे का ताल्लुक लोगों के देखने से नहीं है, दिखावे का ताल्लुक इंसान की नीयत से है कि अगर कोई देख रहा है तब तो नेकी करेंगे, तब तो देंगे, और कोई नहीं देख रहा तो नहीं करेंगे। ये है दरअसल इशू कि कोई देख रहा है तो फंड रेजिंग में पैसे देंगे और कोई नहीं देख रहा तो नहीं देंगे। जैसे आपने ये फी सबीलिल्लाह में मस्जिदों वगैरह के लिए डोनेशन की अपील की जाती है इंस्टीट्यूशंस के लिए, बाहर के मुल्कों में तो बहुत रिवाज है, तो वहां पे लोग प्लेच करते हैं, ठीक है, वहां पे वो पूछ रहे होते हैं तो कहते हैं ठीक है लिख लें मेरी तरफ से इतने पाउंड, इतने डॉलर, इतने रुपीज, जो भी है। अच्छा, प्लेच कर लिया, सबको पता चल गया कि उन्होंने इतना पैसा प्लेच किया है। लेकिन जो लोग डोनेशंस कलेक्ट करते हैं उनसे पूछें कि आधे प्लेजेस भी मटेरियलाइज नहीं होते। कहने को कह तो देते हैं कि हम इतना देंगे, बाद में नहीं देते। शोरा तो हो गया, लोगों ने तो सुन लिया, उसके बाद बैकआउट कर गए, या जितनी रकम प्लेच करी थी कहा कि ओहो अब तो मैं फाइनेंशियली टाइट हो गया, अब तो मैं नहीं दे सकता, तो नहीं दिए। तो दिखावे की ना बहुत तरह की किस्में हैं। अल्लाह की राह में इंसान दे खामोशी के साथ तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ताला उसको अजर देगा। खालिस अल्लाह के लिए देनी है, एग्जीबिशन नहीं करना। हमको भी एग्जीबिशन लगाना है, लेकिन वो हशर के मैदान में इंशाल्लाह अल्लाह के आगे एग्जिबिट करना है उसको।